so. No, 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 no. आज हम शेयर करेंगे आप लोग के साथ मैदे का गुजिया, दिवाली स्पेशल, और दिवाली में बहुत बनता है। तो चलिए इसे बिना देर करते हुए बनाते हैं। इधर हम एक कढ़ाई ले लेंगे, इसमें डालेंगे हम ऑयल। इसका पहले मिश्रण हमें बनाना है। तो कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम डालेंगे 2.5 ग्राम सूजी। सूजी को 2 से 3 मिनट तक भून लेना है, जलाना नहीं है। सूजी हमारे भुनकर रेडी हो गए। इसे हम निकालेंगे एक प्लेट में, और देख सकते हैं हमने प्लेट में निकाला है। इसमें हम डालेंगे शक्कर, 1.5 कप शक्कर और 1 कप नारियल का बुरादा। इसे हम कद्दूकस कर लिए थे, और इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे सारे मिश्रण को। इधर हम 2 से 3 कप मैदा ले लेना है, और इसमें ऑयल या घी डालकर मसाज करना है। इस तरह से देख सकते हैं, ये दिवाली में बना सकते हैं बहुत आसानी से। अक्सर ये गुजिया दिवाली में बनता है फ्रेंड्स। अच्छे से मसाज हो गया, इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के इसको आटा सानेंगे। देख सकते हैं गूंद गया है, हमारा आटा रेडी हो गया है। बिल्कुल जैसे रोटी का आटा रहता है उस तरह से हमें करना है। और इधर हम बेल लेंगे 1 लोई। बेल गया है, इसमें हम डाल काटेंगे। ये देख सकते हैं हमने साँचा इस्तेमाल किया है। और ये हो गया है, देख सकते हैं इस तरह से पूरे गुजिये बना लेना है साँचा से। और इसमें हम ऑयल डालेंगे कढ़ाई में। इस तरह से फ्राई करना है, जितना तेल में आ जाता है उतना हम डाल देंगे, और फ्राई कर लेना है इसे। इसे भी जलाना ना है, बस इसका ब्राउन कलर करना है। और ये बहुत ही कुरकुरा बन जाता है, बहुत ही अच्छा। इसे ज़्यादा गैस पास नहीं करना है। बहुत ही फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ेदार की गुजिया बनती है, और ये दिवाली में ज़रूर ट्राई करिए, और आप भी ट्राई करके खा सकते हैं कभी भी। वीडियो पसंद आ रही है तो हमें कर दीजिए लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर। आप लोग 2 मिनट वीडियो देखकर चले जाते हैं तो प्लीज़ फॉलोअर्स कीजिए। देख सकते हैं ये हो चुका है, दोनों साइड अच्छे से पलटी मार दिए थे हमने। और ये इधर निकाल लेंगे, जो तेल बचा है इसमें हम दूसरा डालेंगे। इस तरह से सारे गुजिया फ्राई करना है। बहुत ही कम में हो जाता है, और बहुत ही फटाफट हो जाता है। और इसे भी हम निकाल लेंगे। हमारे मैदे की गुजिया बनकर तैयार है, रेडी है। इसे महीना 2 महीने तक रख के स्टोर कर सकते हैं। थैंक यू।